नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इकचारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। संतान प्राप्ति के लिए सगे चाचा ने तांत्रिक के साथ मिलकर भतीजे को उतारा मौत के घाट। आरोपी गिरफ्तार, गाँव में मचा कोहराम। काली पूजा को लेकर जिले भर में उत्साह का है माहौल। मंदिरों में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। काली प्रतिमा विसर्जन और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर डीएम और एसएसपी ने गंगा घाट का किया निरीक्षण। अमडंडा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, थाने का किया घेराव। और जगदीशपुर रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति का शव हुआ बरामद, जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। विज्ञान के इस आधुनिक युग में लोग आज चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ लोगों में अंधविश्वास कायम है। पीरपैंती थाना क्षेत्र के दिलौरी गांव में सगे चाचा ने अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर अपने ही 10 वर्षीय भतीजे की गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद सबको बांस के बिट्टा में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पीरपैंती पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। दरअसल पीरपैंती निवासी शिवनंदन रविदास को कोई संतान नहीं था, जिसके बाद उसने यह बात गांव के ही तांत्रिक ब्लास मंडल को बताया। तांत्रिक ने घर के किसी सदस्य की नर बलि देने की बात कही। रविवार की शाम शिवनंदन रविदास भतीजे को पटाखा दिलाने के बहाने ले गया और तांत्रिक के साथ मिलकर भतीजा कन्हैया की गला रेत कर हत्या कर शव को फेंक दिया। इस दौरान मृतक की माँ ने अपने बेटे की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सोमवार की सुबह शव मिलने की सूचना मिलते ही मृतक की माँ घटनास्थल पर पहुंची और शव की शिनाख्त अपने बेटे के रूप में की। मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी आशीष भारती ने हत्या के उद्भेदन के लिए कहलगांव एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिवनंदन रविदास और तांत्रिक विलास मंडल को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आरोपी को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाई जाएगी। वहीं मृतक के गाँव में घटना के बाद से कोहराम मचा हुआ है। आज करीब 9 बजे सुबह में पीरपैंती थाने को यह सूचना मिली कि ग्राम दिलौरी में एक सिकंदर रविदास है, उनके पुत्र कन्हैया जिनकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी, का गला रेत करके हत्या कर दिया गया है और उसको बांस जो बांस के बिट्टा में जो गांव के पास है उसमें वो पड़ा हुआ है। इस सूचना पा करके पीरपैंती थाना की पुलिस तुरंत वहां पहुंची तथा अन्य बड़ी पदाधिकारी SDPO कहलगांव इंस्पेक्टर पीरपैंती भी वहाँ पर तुरंत पहुँचे और पहुँच करके इस मामले का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तो उसमें यह पाया गया कि इस पूरे मामले में जो मृतक है उसकी माँ के द्वारा यह बताया गया है कि मृतक के बच्चे के चाचा जिनका नाम है शिवनंदन रविदास के द्वारा विभास मंडल के साथ मिल करके अपने भतीजे को उसको पहले बहला फुसला करके पटाखा दिलाने के नाम पर दिवाली को लेकर गए थे शाम में और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में यह जानकारी मिली है कि जो मृतक है, मृतक के चाचा है, उसको कोई अपनी संतान नहीं थी और इसी कारण उसको तांत्रिक से उसने संपर्क किया था, जिसके द्वारा यह बताया गया था कि अगर वो घर के किसी बच्चे को की बलि देता है तो उसको अपनी संतान होगी और इसी कारण उसके द्वारा यह दिवाली की रात को यह घटना कारित की गई है। इस मामले में पुलिस के द्वारा जो दोनों अपराधी हैं, तांत्रिक जिसका नाम विभास मंडल है और जिस और जो मृतक के चाचा हैं शिवनंदन रविदास, दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इस मामले में पीरपैंती थाना कांड संख्या 241/19 दर्ज किया गया है। पुलिस के द्वारा अभी जो अन्य बिंदु हैं उस पर अनुसंधान किया जा रहा है और जल्द ही इस मामले में स्पीडी ट्रायल करा चार्जशीट दाखिल करके स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आप लोगों के माध्यम से मैं यह भी अपील करना चाहता हूं कि जो कई बार अंधविश्वास में लोग कुछ इस प्रकार की घटना करते हैं, मेरा सभी लोगों से अपील रहेगा कि इस तरीके की बातों में नहीं आए।
जिले भर में काली पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूजा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। भागलपुर के पर्वती में प्राचीन काली महारानी समिति की ओर से भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। सुबह से ही मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोग पूरे विधि विधान और आस्था के साथ माँ काली की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पर्वती काली पूजा समिति के संरक्षक कामेश्वर यादव ने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल में माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। शांतिपूर्ण जो है माहौल है, भक्ति में लोग लीन हैं। विसर्जन के लिए तो मुसहरी घाट है ही, तालाब बनाया गया है नगर निगम की ओर से, बगल में गंगा भी है। और रहेंगे उच्च पदाधिकारी, डीएम साहब रहेंगे, एसडीओ साहब रहेंगे, एसपी साहब रहेंगे, विसर्जन होगा। वहीं नौगछिया के खगड़ा गांव में स्थापित काली मंदिर का इतिहास 300 वर्ष पुराना है। दूर दराज से लोग यहां मन्नतें मांगने आते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन मां काली की वैदिक और तांत्रिक विधि से पूजा की जाती है। पूजा अर्चना के बाद सोमवार की देर शाम मां काली का विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इस दौरान जय मां काली के जय घोष से पूरा इलाका गूंजता रहा। नाथनगर के रामपुर खुर्द पंचायत स्थित बहबलपुर की काली पूरे जिले भर में प्रसिद्ध है। बहबलपुर में 350 वर्षों से जिले की सबसे ऊंची प्रतिमा पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित की जाती है। इस दौरान यहां श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ती है। मेयर पति अजय सिंह ने बताया कि 32 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण ग्रामीण रुदल सिंह द्वारा 50 वर्षों से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बम काली की विशालता ही इसकी पहचान है। इस दौरान यहां 3 दिनों तक भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से लोग मां के दर्शन को पहुंचते हैं। वहीं नाथनगर स्थित शर्मा टोला में मां काली की धूमधाम से पूजा अर्चना की जा रही है। पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बुधवार को होने वाली मां काली प्रतिमा का विसर्जन एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर सोमवार को डीएम एसएसपी ने शहर के विभिन्न गंगा घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण के क्रम में डीएम प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती, एसडीओ आशीष नारायण, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज और डीएसपी राजवंत सिंह नाथनगर स्थित चंपा नदी घाट पहुंचे। घाट पर फैले गंदगी को देख डीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द साफ सफाई, ब्लीचिंग का छिड़काव करने एवं घाटों पर रोशनी की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। साथ ही डीएम ने तय रूट के अनुसार प्रतिमा विसर्जन का निर्देश पूजा समिति के लोगों को दिया। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने विसर्जन और छठ पूजा के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहने की बात कही। इस मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, भवेश यादव, नीलम देवी, देवाशीष बनर्जी सहित समिति के कई सदस्य मौजूद थे। कहलगांव अनुमंडल के अमडंडा थाना क्षेत्र में रविवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में 3 महिला समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने अमडंडा थाना का घेराव कर मुख्य गेट के समीप आगजनी कर प्रदर्शन करने लगे। बताया जा रहा है कि सागर यादव और नारायण यादव के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। कुछ दिन पूर्व ही दोनों पक्षों के बीच पंचायती हुई थी, लेकिन नारायण यादव ने पंचायत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। रविवार को जमीन की सफाई के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। घटना की सूचना दिए जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके कारण स्थानीय लोग पुलिस के रवैये से काफी नाराज दिखे। भागलपुर की जगदीशपुर रेलवे ट्रैक के समीप एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। शव मिलने की सूचना मिलते ही रेलवे ट्रैक पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक व्यक्ति की पहचान मकससपुर निवासी महेश तांती के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जगदीशपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आशंका जताई जा रही है कि मृतक की गोली मारकर हत्या की गई है। वहीं घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल सोमवार की सुबह ग्रामीण रेलवे ट्रैक पार कर अपने काम पर जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों की नजर रेलवे ट्रैक के समीप पड़े शव पर गया, जिसके बाद काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो। अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी।
पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। काली प्रतिमा विसर्जन के लिए बन रहे तालाब का निर्माण कार्य सोमवार को पूरा हो गया है। प्रतिमा विसर्जन के लिए 3 जगहों पर तालाब का निर्माण कार्य चल रहा था। सोमवार को तालाब निर्माण के बाद प्लास्टिक की सीट बिछा दी गई, साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रोशनी और बैरिकेडिंग भी लगाए जा रहे। बुधवार को माँ काली की भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सभी प्रतिमाओं का विसर्जन अस्थायी तालाब में किया जाएगा। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से विसर्जन घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दीपावली की रात खेलने के दौरान नाथनगर थाना क्षेत्र के अनाथालय रोड पर 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक की पहचान नाथनगर निवासी लक्ष्मण यादव के पुत्र गौरव कुमार के रूप में हुई है। वहीं नाथनगर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। करीब 10:30 बजे घर में पूजा करके निश्चिंत हुए थे। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद लगभग 11:30 बज गया था। लड़का और बैठे हुए थे। उसके बाद लड़का सब घूमने निकला। हमारे घर से 50 कदम दूरी पर वहाँ पर जुआ चल रहा था, जुआ या ताश खेल रहा था। वहाँ पर जो ताश खेल रहा था, तो मेरा लड़का भी वहाँ पर गया देखने के लिए। कुछ देर के बाद वहाँ पर वो सब ताश खेल रहा था, सब मार। दीपावली की रात बांका के अमरपुर में दिए से अचानक आग लग गई। घटना में घर में रखा सारा सामान और नगद जलकर खाक हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि महमदपुर वार्ड संख्या 14 निवासी बिक्की तांती अपने घर में सोया हुआ था। उसी दौरान फुस से बने घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग आसपास के घरों में फैलनी शुरू हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित ने कहा कि आग में सारा सामान जलकर नष्ट हो गया है। भागलपुर के जगदीशपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ता का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ है। मृतका की पहचान फुलवरिया निवासी 55 वर्षीय अंजना देवी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जगदीशपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ब्रजभूषण मंडल ने बताया कि डॉक्टर कक्ष से दुर्गंध आने के बाद जब कमरा खोला गया तो बेड पर अंजना का शव पड़ा था। उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर की सुबह मृतका एक महिला का प्रसव कराने अस्पताल आई थी, उसके बाद से ही लापता हो गई थी। काली पूजा के अवसर पर इकचारी भोलसर पंचायत में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के लगभग 600 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भोलसर पंचायत के उप मुखिया रोशन सिंह ने कहा कि इस तरह के प्रतियोगिता से बच्चों में पढ़ाई को लेकर जिज्ञासा बढ़ती है। इस मौके पर मुखिया नासरीन परवीन सहित हैप्पी क्विज क्लब के सदस्य मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। संतान प्राप्ति के लिए सगे चाचा ने तांत्रिक के साथ मिलकर भतीजे को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार, गांव में मचा कोहराम। काली पूजा को लेकर जिले भर में उत्साह का है माहौल, मंदिरों में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। काली प्रतिमा विसर्जन और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर डीएम और एसएसपी ने गंगा घाट का किया निरीक्षण। अमडंडा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, थाने का किया घेराव। और जगदीशपुर रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति का शव हुआ बरामद, जांच में जुटी पुलिस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।